हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज वन डे, जो कि रियल नंबर हमारा होगा और ये आर एस सवाल का सोल्यूशन होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फोर से कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में उनका प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + √2 × 4 − √2। तो यहाँ पर यदि हम कुछ देर के लिए इसको ए माने और इसको बी माने, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी ये भी a होगा और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है। यानी ये जो हमारा फार्मूला है ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे a के जगह पे जो है हमारा 4 है और b के जगह पे √2 है, यानी 4 + √2 और 4 − √2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह पे हम रख देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 × √2, यानी ये हो जाएगा 16 − √4, यानी 16 − √4 जो होता है ये 2 हो जाता है इसका स्क्वायर रूट, यानी ये हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, √5 + √3 और √5 − √3, यानी सेम फार्मूला यही है ए बी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर − √3 का स्क्वायर। यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं 25 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9। यानी 25 का स्क्वायर √5 होता है और 9 जो होता है 9 का स्क्वायर √3 होता है, यानी इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, 6 − √6 and 6 + √6। तो सेम है ए बी। तो यहाँ पे है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इस पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस और प्लस इधर उधर है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको हम ले सकते हैं 6 का स्क्वायर − √6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस अंदर रूट 36, यानी 36 − 6, यानी हो जाएगा 30। तो इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसमें है √5 − √2 और √2 − √3, यानी यहाँ पर डिजिट भी अलग है और दोनों माइनस में है। तो इसको करेंगे क्या कि इसमें इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 में फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √5 में √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √10। √5 में √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बट ये प्लस है ये माइनस है, यानी −√15। यहाँ पे माइनस है प्लस है, यानी सिंबल माइनस होगा। √2 में √2 से कराएंगे तो √4 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा √6, यानी ये हो जाएगा √10 − √15 − 4 √2 होता है प्लस √6। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, √5 − √3 का होल स्क्वायर, यानी ये जो है हमारा फार्मूला होता है a − b का होल स्क्वायर = a² − 2ab + b². तो इस पर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर − 2a √5b √3 + b² यानी √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 25 डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं −2 और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √15 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3, यानी ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी 8 − √15। और यहाँ पे यदि हम ज़्यादा चाहें तो ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 − √15। यहाँ पर भी हम ऐसा छोड़ सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, 3 − √3 का होल स्क्वायर, यानी ये भी फार्मूला जो है हमारा यही होगा a − b का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर − 2ab + b का स्क्वायर, यानी जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 √3 + √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यानी दोनों प्लस में है तो 9 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 − 6√3 और 6 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 − √3। तो आप इस तीनों क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लें।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है रिप्रेजेंट रूट 3.2 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन, यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने तो ये पढ़ रखा है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इसको इंडिकेट करना, ये सारे को हम इंडिकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट में है रूट 3.2। तो इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे कुछ ऐसा, और 3.2 यहाँ से लेके, चूँकि इसको आप जब कॉपी बनाएंगे तो स्केल के थ्रू आप यहाँ तक कोई भी लाइन हो सकता है, जो कि 3.2 का एक लाइन लेंगे, इसको हम कर लेते हैं ए बी, स्केल के थ्रू इसको मेजर करके और 3.2 लेंगे। अगेन खुद से एक यूनिट आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एक यूनिट आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको हम इसको भी नेमिंग कर लेते हैं सी। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे 3.2 सेंटीमीटर, और बी से सी तक खुद से 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन फिर करेंगे क्या कि एसी को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए आधा से अधिक डिवाइडर लेके एक बार ऊपर कट लगाएंगे, एक बार नीचे, फिर एक बार इधर और एक बार इधर, और इसको डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे हम एसी को डिवाइड करेंगे, तो एसी को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले किया क्या जाता है कि डिवाइडर से आधा से अधिक एसी जो है इसको डिवाइड करने के लिए आधा से अधिक डिवाइडर लेंगे, और एक बार ऊपर कट लगाएंगे, एक बार नीचे कट लगाएंगे, फिर एक बार इस तरफ से यहाँ सी के पास रख के इधर कट लगाएंगे, एक बार इधर कट लगाएंगे, और इस लाइन को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा जो कट लाइन होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी एसी का मिड पॉइंट होगा। फिर से हम इसको बता देते हैं कि ये क्या है, ए और बी एक 3.2 का एक लाइन लिए हैं, बी से सी 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर का खुद से ड्रॉ किए हैं, और फिर एसी को हम डिवाइड किए, डिवाइड करने के लिए ए पॉइंट से आधा से अधिक लेंगे डिवाइडर और ऊपर कट लगाएंगे, नीचे कट लगाएंगे, फिर सी से आधा से अधिक लेने लिए हैं जो उसी से ऊपर और नीचे कट लगाएंगे। अगेन इस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट पे हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, 60 60, और ये कट मारेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एसी को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा सेंटर मिला वहां से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के बाद ये जहां पे भी कटेगा सर्कल पे वहां से हम इस तरीके से आर्क खींच लेंगे, और इसका कोई नाम दे लेते हैं ई, यही हमारा जो लाइन होगा वो रूट 3.2 होगा, तो आप इसको नोट आउट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट रूट 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो फिर से एक बार इसको सीखेंगे, एक लाइन हम लेंगे और इस लाइन पे 7.28 सेंटीमीटर का एक लाइन कट करेंगे, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, चूंकि आप स्केल से करेंगे तो आप जितना होगा उतना लीजिएगा ए बी, और ये जो होगा हमारा 7.28 सेंटीमीटर का होगा। फिर बी से सी तक 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ये हम खुद से लेंगे, और अगेन एसी को हम डिवाइड करेंगे यानी इसको बाइसेक्ट करेंगे टू पार्ट में, तो आधा से अधिक लेंगे, ऊपर कट लगाएंगे, नीचे, और फिर सी से इधर और इधर, और इस लाइन को जब हम मिलाएंगे ये हमारा दो पार्ट में कट गया, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे जो भी हमारा सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एसी पर, ऐसे। अगेन बी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ये, और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद जहां पे बी पॉइंट सेमी सर्कल को कट करेगा वहां से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यही जो हमारा होगा ये रूट 7.28 होगा, तो आप इसको नोट कर लें।